हम आप लोगों को सुख की कक्षाएं बताते हैं कि हमारे मृत्युलोक का सबसे बड़ा सुखी वो होता है जो सारी पृथ्वी का एक राजा हो, खाली इंडिया का नहीं, सारे मृत्युलोक का एक राजा हो, युवावस्था हो, स्वस्थ हो, विद्वान हो, सदाचारी हो, रूपवान, गुणवान, बलवान, बुद्धिमान, पब्लिक भी मुआफिक हो, यानी सब बातें बढ़िया बढ़िया हो, तो हमारे मृत्युलोक के सुखों में वो सबसे बड़ा सुखी माना जाएगा। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। आजकल कहीं जनतंत्र है, कहीं डिक्टेटरशिप है, तो दो चार जगहों में है, तो वो सब अपने अपने देश का मामला है, सारे देश का एक कोई राजा हो ये सवाल ही नहीं। लेकिन अगर कोई हो तो ऐसे सैकड़ों राजाओं का सुख बराबर एक मनुष्य गंधर्व के लोक के सुख के, ऐसे सैकड़ों मनुष्य गंधर्व के लोक के सुख बराबर एक देव गंधर्व के लोक के सुख के, ऐसे सैकड़ों देव गंधर्व के लोक के सुख बराबर एक पितृलोक के सुख के, ऐसे सैकड़ों पितृलोक के सुख बराबर एक आजानज देव के सुख के, ऐसे सैकड़ों आजानज देव के सुख बराबर एक कर्म देव के सुख के, ऐसे सैकड़ों कर्म देव के लोक के सुख बराबर एक नित्य देव के सुख के, ऐसे सैकड़ों नित्य देव के सुख बराबर एक इंद्र के सुख के, ऐसे सैकड़ों इंद्र के सुख बराबर एक बृहस्पति के सुख के, ऐसे सैकड़ों बृहस्पति के सुख बराबर एक प्रजापति के सुख के, ऐसे सैकड़ों प्रजापति के सुख बराबर एक ब्रह्मलोक के सुख के। ये अंतिम लोक है स्वर्ग का। लेकिन इन सब लोकों में काम, क्रोध, लोभ, मोह सब का आधिपत्य है, जैसे हमारे यहां। अरे और तो और जो स्वर्ग का राजा है उसका भी बुरा हाल है। हमारे मृत्युलोक में कोई राजा पहले हुए हैं, ऐसे अश्वमेध यज्ञ करते थे, राजा दिलीप वगैरह। तो जब सौ अश्वमेध यज्ञ कर लेता है कोई, तो वो इंद्र बन जाता है। तो जब सौवां अश्वमेध यज्ञ करने चले कोई राजा हमारे मृत्युलोक का, तो इंद्र आवे गुस्से में और उसका घोड़ा चुरा ले जाए कि होने नहीं देंगे ये सौवां, नहीं तो ये इंद्र बन जाएगा। अरे वो तो अश्वमेध यज्ञ छोड़ो, कोई भक्ति कर रहा है, ये ध्रुव है, ये तपस्या कर रहा है, ये हमारा लोक छीन लेगा, इसके पास अप्सरा भेजो, इसका तपस्या भंग करो, ये इंद्र का हाल है। तब वहां की पब्लिक का क्या हाल होगा सोचो, जब स्वर्ग सम्राट का यह हाल है। चक्रधरोपि सुरत्वं सुरत्वलाभे सकल सुरपतित्वं सुरपतिरूर्ध्वगतित्वं तथापि न निवर्तते तृष्णा। गरुड़ पुराण। पहले हम मृत्युलोक वाले स्वर्ग की बातें सुन सुन के स्वर्ग लोक चाहते हैं, वहां पहुंच गए तो सुरपति बनना चाहते हैं, इंद्र बन जाए,
इंद्र बन गए तो सुरपतिर ब्राह्मम पदम याचते, वो ब्रह्मा का पद चाहता है। ये लो ज्यादा शांत है, टेंशन में है, कहीं अंत नहीं। तो ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि अगर कोई धर्म कर्म का पालन विधिवत भी कर ले तो उसका फल स्वर्ग है, वहां भी माया है, दुख है और कुछ दिन का है, और फिर वहां से गिराया जाएगा बुरी तरह अपमानित करके और दीनहीन निकृष्ट योनियों में जाना पड़ेगा। अब और नीचे आइए, भागवत क्या कहती है। भागवत कहती है आद्यंतवन्ते वैषाम लोका कर्म विनिर्मिता दुखो दरका स्तमो निष्ठा क्षुद्रानंदा सुचार्पिता। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 11वां श्लोक, वहां भी दुख है, अशांति है, अतृप्ति है, सब बीमारियां हैं स्वर्ग में। कर्मणाम परिणामित्वाधाबिरिंचाद मंगलम, 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 18वां श्लोक, ब्रह्मलोक तक जाकर फिर लौटना पड़ेगा। आबिरिंचात तावत प्रमोदते स्वर्गे यावत पुण्यम समाप्यते, 11, 10, 26। ग्यारहवें स्कंद के 10वें अध्याय का 36वां श्लोक, जब तक पुण्य है 4 दिन 6 दिन 4 महीना 4 साल 10 साल 1000 साल रह लो स्वर्ग में। जैसे हमारे मृत्युलोक में मानव देह मिला है, किसी को 1 साल का, किसी को 10 साल का, किसी को 100 साल का, बस फिर सबको छोड़ना होगा ये शरीर, कोई भी हो। अरे स्वयं भगवान आए तार लेके, 11,000 वर्ष रहे भगवान राम, तो जमराज गया उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा महाराज आपका समय हो गया है, आप अगर चाहें तो अपने लोक को जाएं, मैं याद दिलाने आया हूं। भगवान को जबरदस्ती तो ले नहीं जा सकता, वो तो सर्वेंट है, लेकिन सर्वेंट का काम है स्वामी को याद दिलाना, कहीं भक्तों में भूल जाए और डांटे क्यों रे तूने बताया क्यों नहीं कि 11,000 वर्ष हो गए। अरे भक्त के सामने भी जाता है जमराज, ऐसे बैठता है सिर नीचा करके, तो भक्त तो उसके सिर पर पैर रख करके तब सिंहासन पर बैठता है पुष्पक विमान पर, वहां भी वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि महाराज आपका समय हो गया है, अगर आप चाहें तो आप गोलोक जाएं, नहीं चाहें तो आप रहें, हम आपके आगे अपना शासन नहीं चला सकते। यया बिरिंचा निरयान चकारो, भागवत कहती है नरक है स्वर्ग, नरक स्वर्ग और नरक में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक सा है। जैसे हम आपसे कहें कि जानवर जो हरी घास खाता है और मनुष्य जो रसगुल्ला खाता है इसमें अंतर नहीं है, तो आप हंसेंगे ना,
क्या बात करते हैं आप भी, कहाँ रसगुल्ला और कहाँ घास। हाँ जरा वो गाय से पूछिए, आज गाय को हरी घास मिली है, कितनी विभोर होके खा रही है। जैसे आपको आज रसगुल्ला मिला है, बहुत गरीब थे ना, आज रसगुल्ला खा के बड़े विभोर हो रहे हैं, ऐसे वो गाय हो रही है, आनंद बराबर मिल रहा है। देखने का अंतर है बस। ऐसे ही है 9:5:25 भागवत। अरे गीता से समझ लो। ते तम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, वही भाव 9:21 ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्पस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। 14:18 गीता। आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तनोर्जुन गीता 8:16 कामैस्तैस्तैर्तज्ञानै प्रपद्यन्ते न्यदेवता 7:20 अन्तवत्तु फलन्तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो जान्ति मद्भक्ता जान्ति मामपि 7:23 जान्ति देवव्रता देवान् पितृन् जान्ति पितृव्रताः भूतानि जान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। 9:25 ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःख योनिय एव ते आद्यन्तमन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। 5:22 ये सब गीता कह रही है। स्वर्ग में सुख नहीं है, वहां भी अशांति दुख माया का आधिपत्य। स्वर्ग हु स्वल्प अंत दुखदाई। जय हो सद्गुरु सरकार बलिहार बलिहार। सद्गुरु सरकार बलिहार बलिहार। तू तो दूजो नंद कुमार बलिहार बलिहार। बलिहार बलिहार ओ बलिहार 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 बलिहार।
हो जय हो सतगुरु सरकार बलिहार बलिहार हर तू तो विधि हरि हर अवतार बलिहार बलिहार तू तो विधि हरि हर अवतार बलिहार बलिहार सगुण ब्रह्म साकार बलिहार बलिहार तू तो सगुण ब्रह्म साकार बलिहार बलिहार सरकार बलिहार बलिहार जय हो जय हो सतगुरु सरकार बलिहार बलिहार ज्ञान तू तो दिव्य ज्ञान दातार बलिहार बलिहार तू तो दिव्य ज्ञान दातार बलिहार बलिहार प्रेम दातार बलिहार बलिहार तू तो दिव्य प्रेम दातार बलिहार बलिहार जय हो सतगुरु सरकार बलिहार बलिहार जय हो जय हो सतगुरु सरकार बलिहार बलिहार पतितन की तू तो पतितन की पतवार बलिहार बलिहार तू तो पतितन की पतवार बलिहार बलिहार अधम उदाहरण हार बलिहार बलिहार
अधम उदाहरण हार बलिहार बलिहार जय हो जय हो सतगुरु सरकार बलिहार बलिहार जय हो जय हो सतगुरु सरकार बलिहार बलिहार पारूप साकार बलिहार बलिहार तू तो कृपारूप साकार बलिहार बलिहार सद्गुरु सरकार बलिहार बलिहार जय हो जय हो सद्गुरु सरकार बलिहार बलिहार रसिकन को तू तो रसिकन को सरदार बलिहार बलिहार तू तो रसिकन को सरदार बलिहार बलिहार नित कर तू तो नित कर पर उपकार बलिहार बलिहार तू तो नित कर पर उपकार बलिहार 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 जय हो जय हो सतगुरु सरकार बलिहार बलिहार जय हो सतगुरु सरकार बलिहार बलिहार जय हो
प्रेम सिंधु साकार बलिहार बलिहार तू तो देत दिव्य रसयार बलिहार बलिहार जय हो सतगुरु सरकार बलिहार बलिहार जय हो जय हो सतगुरु सरकार बलिहार बलिहार पाछे डोले नंद कुमार बलिहार बलिहार तेरे भक्तों पे हरि बलिहार 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 जय हो जय हो सतगुरु सरकार बलिहार बलिहार बलि बलि नंद कुमार बलिहार बलिहार तो ही वैकुंठ हूँ लग खार बलिहार बलिहार तो ही जय हो सतगुरु सरकार बलिहार बलिहार तेरो ऋणी आनंद कुमार बलिहार बलिहार तेरो प्रीत दास रिझवार बलिहार बलिहार तेरो प्रीत दास रिझवार बलिहार बलिहार जय हो जय हो सतगुरु सरकार बलिहार बलिहार जय हो सतगुरु सरकार बलिहार 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 ओ बलिहार बलिहार ओ बलिहार बलिहार ओ बलिहार बलिहार
बलिहार बलिहारी है, ओ बलिहार बलिहार ओ बलिहार बलिहार हाँ बलिहार 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 बलिहार।